नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रीन लाइन न्यूज। मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। रंका अनुमंडल कार्यालय में पकड़े गए बाइक चालकों से अधिक पैसा लेकर बहुत कम चालान काट कर देने से बाइक चालकों ने जोरदार हंगामा किया। रंका अनुमंडल से आकाशदीप की रिपोर्ट। कोरोना संक्रमण की चेन को तोड़ने को लेकर स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के तहत राज्य सरकार द्वारा लगाए गए लॉकडाउन के दौरान बिना ई पास के दोपहिया वाहन चालकों से सरकारी निर्देश का उल्लंघन किए जाने के मामले में चालकों से जुर्माना वसूला। भारी गड़बड़ी किए जाने को लेकर शुक्रवार के शाम लोगों ने अनुमंडल कार्यालय में काफी हंगामा किया। इस दौरान वाहन चालकों ने अनुमंडल पदाधिकारी राजेश कुमार लिंडा पर लाखों रुपए जुर्माना वसूली करने एवं चालान काफी कम दिए जाने संबंधित आरोप लगाया। इस संबंध में भंडरिया क्षेत्र के संजय प्रसाद गुप्ता ने बताया कि वे घर से दवा लेने भंडरिया जा रहे थे। इसी क्रम में अनुमंडल पदाधिकारी ने बिना कारण जाने गाड़ी पकड़कर थाने में लगा दिया। बाद में बतौर जुर्माना 10,000 रुपए वसूल कर 1,500 रुपए का चालान दिया गया। वहीं विभिन्न क्षेत्र में आए लोगों इसहाक अंसारी, वीरेंद्र सिंह, संजय सिंह आदि लोगों ने भंडरिया थाना क्षेत्र के बिजगा गांव निवासी मिथिलेश पाल आदि ने बताया कि अधिक पैसा लेकर बहुत कम का चालान काट कर देने का अनुमंडल पदाधिकारी राजेश कुमार लिंडा पर आरोप लगाया। 2,000 रुपए चलान है, 3,000 रुपए हमसे लिया गया है। लिया गया है जी। चलान 2,000 रुपए है जी। आपके पास सब लाइसेंस हेलमेट सब कुछ आपके पास है? हाँ सब। तो 2,000 चलान दिया, 1,000 लिया है जी। नाम आपका? नाम मेरा अल्ताफ अंसारी। कहाँ घर है? रमकंडा। ठीक है। सर जी कैसे कितना दिया पैसा आप लोग से? जैसे मैं मंडल से जा रहा था गुदरमाना, मेरा पास वो सब कुछ था, पास था, ड्राइविंग लाइसेंस था, इंश्योरेंस भी था, गाड़ी के सभी कागज था जी। पास मेरे नाम से था जी। हमारा अचानक पेट में एकदम दर्द का बढ़ गया था, जिसके चलते मैं अपना ट्रैक्टर ड्राइवर को बोला कि जाओ मेरा दवाई लेकर आओ गुदरमाना से जी। अपना बाइक दे दिया ड्राइवर को जी। भाई उसके पास पास नहीं था, लेकिन सब कुछ मेरे नाम से था। इसी बीच में बोला कि जिसका गाड़ी वो काहे नहीं चला रहा, तुम काहे चलाया। इतना ही कहकर मेरा गाड़ी भंडिया थाना में रख लिया। और फिर मैं गया तो बोला कि सर मेरा सब कुछ है, डिक्की में कागज वगैरह सब आप देख लीजिए। लेकिन कुछ बात मानने के लिए तैयार नहीं हुए। सीधा बोला कि जाओ रंका अनुमंडल में, वहाँ से तुम बेल कराओ। जब रंका अनुमंडल में आए तो यहाँ हमारा 8,000 रुपये का फाइन काटा गया। हमने बोला कि देखिए सर मेरा लाइसेंस है, इंश्योरेंस है, बोले सब कुछ मनियत नहीं हुआ। ई पास भी मेरा गाड़ी में, ई पास मांगे कल भंडिया थाने से, वहाँ दिया। बोले ई पास क्या करोगे, जब गाड़ी तुम्हारा नहीं छूटा तो क्या करोगे? अब हम क्या बोले सर, हमारे साथ इतना ही दिक्कत, 8,000 रुपया लिया गया। हमने बहुत गरीब आदमी मजदूरा थे, पास पूरा पैसा था नहीं। फिर मैंने हरंका से अपने हित से और कर्जा लेके इसी तरह गाड़ी छोड़ा कर जाया। आपका नाम? संजय प्रसाद। कहाँ का है? मंडल का। चलान खाली काटा गया था जी। उसका बाद में देख रहे हैं कि फिर इंश्योरेंस लाइसेंस करके 6,000 रुपये लिया गया जी। और पास दिखा रहे थे अपना, जो आई पास बनता है जी। पास दिखाएं तो पास फेंक दिए रमकंडा थाना के छोटा बाबू जी जी जी। और फेंक के बोल रहे हैं कि कुछ काम नहीं करेगा, यहाँ से निकलो तुम। 6,000 रुपये हमसे लिया गया अभी यहाँ पे। 6,000 लिया गया। हाँ। अब चालान कितना लिखा था पैसा? चालान के है 6,000 रुपये है, 181 धारा है, 194। सब कुछ 6,000 लिया गया। हाँ 6,000। 3,000 पैसा लिया जी और 2,000 चलान में पैसा का लिखा। आपका नाम? मुरारी चौधरी। कहाँ घर है? फकीराडी। मैं धीरेन्द्र सिंह, ग्राम बांडू जी। भैया मेरा 1,000 का चलान कटा गया था जी, जो कि 6,000 रुपया लिया गया। लिया गया 6,000 लिया गया। 1,000 पर्ची में चढ़ाया गया था, बोलने के बाद 6,000 उसको बना दिया गया दोबारा से। ठीक है।